हाँ दादी कहाँ से रोटी खा रही है? क्यों ये हाथ में ड्रिप लग गया, दर्द हो रहा है यार, पे भी ड्रिप लग गया राइट हैंड पे। तो ड्रिप का बता नहीं क्या लगाई है? हाँ बहुत आराम से लगाई है, कल तो खाया नहीं है कुछ। कैसे पूछा ना कैसे लगाई है पूरा दिन? मैं क्यों कैसे लगाई है? हाँ जी दादी आराम से लगाई है ना, आज तीसरा दिन हो गया है आराम से लगाई। हाय 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 ये तो आप बहुत आराम से लगाइए। जो सुबह बताओ ना, सुबह तो चार बंदों ने पकड़ा था इसको, चार बंदों ने पकड़ा था इसको, आज फ्रीज हो गया था मेरा। हाँ तो क्या हुआ फिर, चल अब जल्दी ठीक हो जा, घर आ जा, ब्लॉग बनाने शुरू करें। सबको प्रॉमिस किया, लोग कहते हैं कि ब्लॉग ही नहीं बनाते, तो रिजल्ट इसको 3 दिन हो गए आज फीवर होते हुए, फीवर इसका बिल्कुल नहीं उतर रहा। तो मतलब जब तक पैरासिटामोल का इंजेक्शन देते हैं उसका असर रहता है 2-3 घंटे, उसके बाद फिर फीवर शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स तो सीवी फीवर आ गई है, वो कुछ ठीक है, बाकी जो डेंगू वगैरह की आनी है वो कल तक ही आएगी ना, क्या कह रहे हैं? एक कल मॉर्निंग आएगी, एक परसों जो ब्लड कल्चर की है। कोई बात नहीं बेटे, मैं तो तुम सबको यही बोलूंगी कि लाइफ स्ट्रगल्स के बिना बिल्कुल नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब चलता रहता है, भगवान सुख रखे। कोई तो हॉस्पिटल भी हमने चेंज किया, हुआ क्या था, हमने अपने घर के पास जो मणिपाल हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करा दिया था, जहाँ पे नॉर्मली होती है, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर भी वहीं पे ही हैं। तो हुआ क्या, उनका जो इंश्योरेंस टाइप था, मेरी ICICI लॉम्बार्ड की इंश्योरेंस है, उनका टाइप था, उनका टाइप टूट गया उनसे, तो हॉस्पिटल डीलिस्टेड हो गया। फिर जो मेरे एजेंट है हरमन जी भाई भी है अपने, उनका कॉल आया कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो तू हॉस्पिटल चेंज करवा ले, कल को क्लेम लेने में दिक्कत आ जाएगी, 1-2 लाख का बिल तो बनना ही बनना है, तो वो करने में बहुत दिक्कत आएगी, कल को रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर कल भागे तो दिल्ली में BLK पता कर लिया, गंगाराम पता कर लिया, वहाँ पे रूम नहीं, गुड़गांव में मैंने मैक्स हॉस्पिटल पता कर लिया, वहाँ पे रूम नहीं, मैं जानता में भी रूम नहीं, फिर जाके मुझे द्वारका में ये मणिपाल हॉस्पिटल में रूम मिला। तो कल रात को भी को 3 बजे रात को यहाँ शिफ्ट किया हमने, घर से 14 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। चले फिर चले घर, तो हम लोग अभी व्लॉग जो शुरू कर रहे हैं, लो बैटरी होगी घड़ी की, टाइम हो रहा है अभी कितने बजे, एक मिनट, अनीशा कहती है मुझे भी ले, रात को 10:30 बजे हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं आज। अनीशा कह रही है घर मैंने भी जाना है, घर जाएगी 2 दिन के बाद, 10:21 हो गया ना कि माँ, तो मेरा 2 दिन बाद बर्थडे भी है, मेरा बर्थडे हॉस्पिटल बनेगा या घर में बनेगा पता ही नहीं अभी कुछ। फाइव स्टार में बनेगा, कौन से फाइव स्टार में? 5 चॉकलेट खिलाएगी तू मुझे? 3-5 स्टार देगी, ठीक है चलेगा हम। अच्छा नहीं डॉक्टर आ रहे हैं ना, एक मिनट, अभी हम लोग निकले हैं, हम लोग जा रहे हैं अब अनीशा को हॉस्पिटल देखने, तो रात तक तो हम वहीं रुकेंगे, मम्मी अभी हॉस्पिटल में बैठी है, तो आज रात को मम्मी रुकेंगी या मैं रुकूंगा? मम्मी रुकेगी, आज भी मम्मी रुकेगी, मम्मी कह रही मैं रुकूंगी। हाँ तो मम्मी उसकी बनती अच्छी है ना, तो कहती पापा आप तो मोबाइल पे रह जाते हो, दादी है वैसे बातें करती है, दादी रुकेगी उसको चाहिए मैं रुकूं, मेन थिंग, बट मेरा प्रॉब्लम है किमरन के साथ, किमरन को हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकते, तो फिर कहती फिर चल दादी ठीक है पापा ने। हाँ तो चलो आप देखते हैं, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, रास्ते में ही है, यार तो गाड़ी की प्रॉब्लम लगानी पड़ जाती है। चलो हॉस्पिटल जाके आपको दिखाते हैं, निशा से मिलाते हैं। आप हॉस्पिटल में आ तो गए हो, बट पंगे मत लेना दीदी से, यहाँ से अच्छा क्या दीदी से पंगे बिल्कुल लेना, ठीक है? अबे यहाँ से भी शॉट पड़ता है यार, ये है दीदी के लिए खाना भी आ गया, हाँ ठीक है फीवर है, ठीक है अभी तबियत बिल्कुल चलते हैं भैया। की कहना डॉक्टर की है? की कहना डॉक्टर? डॉक्टर कहना डेंगू टाइफाइड तो नहीं है, हाँ टॉन्सिल्स करके है। बोर हो गए तो थी? नहीं पार्ट सुन दी। हॉस्पिटल की विंडो देखो, सन का सनसेट व्यू कितना अच्छा आ रहा है, हैं एक बार नज़ारा देखो बाहर का, वो अच्छा है। आप भी मोबाइल पे लगी हो, वो भी मोबाइल पे लगी है, मोबाइल पे किमरन अपना पढ़ाई कर रही है बैठी हुई, दिखा शक्ल। तो हमारे तो आज का दिन भाई साहब हॉस्पिटल में ही निकल रहा है, तीसरा दिन है, कल देखो भगवान ने जहाँ छुट्टी हो जाएगी तो पता लगेगा।
मैं और किमरन जो है वो हम जा रहे हैं रकाबगंज साहब। हम अभी किमरन कह रही है मैं दीदी के लिए प्रे करके आऊंगी कि बाबा जी दीदी को जल्दी ठीक करके छुट्टी कर देंगे ना। किमा कुछ खाना भी आपको भूख लगी है? नहीं खाना अभी, तो पहले हम बुला जाएंगे मथा टेक के, फिर वापसी में दिखाते हैं कि माँ कुछ खिलाते नहीं खिलाते, ठीक है ना। उसकी जो डेंगू की और टाइफाइड की जो रिपोर्ट है वो तो नेगेटिव आई है, डेंगू और टाइफाइड तो नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हो सकता है उसके टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं जिसकी वजह से उसको इतना हाई ग्रेड फीवर जा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखो भगवान ने चाहा तो अगर कल फीवर ना आया तो कल छुट्टी कर देंगे, परसों करेंगे, और परसों मेरा बर्थडे भी है तो देखते हैं मेरा बर्थडे अब हॉस्पिटल में होगा या घर पे होगा, वो तो आप बातों करेंगे घर पे होगा। चलो देखते हैं, किमा कह रही घर पे होगा फिर घर पे ही करेंगे, ठीक है ना। तो पापा को हमने साथ में ले लिया, अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, गुरुद्वारे मथा टेक लिया है। वो ये कह रही है मुझे कुछ खाना है, ठीक है चलो कुछ खिलाता हूँ फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है। तब दादा सेवन फ्लोर पे उतर गए, हमने ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, दादा को पता ही नहीं लगा है ना कि माँ दादा को पता ही नहीं लगा कि माँ फिर आप कैसे करेंगे, अब देखो हम लिफ्ट बंद करके जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अपने ऊपर जाइयो सामान लेके आइयो, चलो बाय की माँ। दादा अंदर जाना, दादा अंदर तू लिफ्ट में अकेले जा, जाना अकेले जाना, मैं नहीं जाता लिफ्ट में अकेले, चल चलो चलो। आया मतलब 12 घंटे के बाद आया ना, तो भगवान ने चाहा कल तक अगर नहीं आया तो होते छुट्टी हो जाएगी, परसों बर्थडे आप दीदी घर पे आ जाए तो बैठ रहे ना कि माँ। तो अभी हम घर जा रहे हैं, 10:15 हो गए हैं, एक घंटा लगेगा घर पहुँचने में, आधा घंटा 10 मिनट पागल है, कभी भी नहीं लगेंगे 10 मिनट। मेरे जीपीएस मैप पे 16 मिनट दिखा रहा था, यहाँ से 40 मिनट लगेंगे कम से कम। मेरे जीपीएस में 16 है, तेरे जीपीएस में 16 दिखा रहा है, 16 चलो जाके देखते हैं। क्यों गुस्सा हो रहे हो? उसके हरकतों की वजह से। क्या किया उसने ऐसा? अनीशा का तंग करके आई है ना। मैं क्या कर रही हूं? रुला के आई उसको फालतू में। मैंने नहीं करा आपका। मैंने कुछ नहीं किया, मैं झूठ मत बोला कर। गाड़ी बहुत दूर खड़ी है ना अपनी आज। रोज ही होती है। हैं? रोज ही होती है। रोज ही दूर होती है, आज आज पास होती है, आज दूर खड़ी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या चल आपके, ठीक हो, बढ़िया हो, बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत सनी पाजी के साथ। तो सुबह के 10:30 हो गए हैं, मैं भी निकला हूँ हॉस्पिटल जा रहा हूँ अनीशा को लेने के लिए। तो डॉक्टर सुबह आए थे, उन्होंने डिस्चार्ज जो है वो प्लान कर दिया, वो कह रहे हैं कि आप छुट्टी कर देंगे, अब अनीशा बिल्कुल ओके है। तो अनीशा को एक्चुअली में हुआ क्या था, उसके गले में टॉन्सिल जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, टॉन्सिल्स बढ़ने की वजह से जो टॉन्सिल से पस पड़ गई थी और उससे जो पस निकल के ना ब्लड में जाके ब्लड में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से फीवर 104 103 से नीचे नहीं आ रहा था। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि उसको शायद डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है, पर टचवुड वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि आजकल डेंगू मलेरिया भी आपको पता है और टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर घर में ही फीवर चल रहा है। हॉस्पिटल में मतलब जिसको देखो 95% जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इसके ही आ रहे हैं फीवर के, तो बस वैसा कुछ नहीं है, टॉन्सिल्स अब ठीक है। डॉक्टर सुबह देख के गए हैं कि स्वेलिंग काफ़ी कम है, तो हम आज डिस्चार्ज प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसको अब ग्लूकोज और जो ड्रिप लगी थी वो नहीं देने की जरूरत, उसको मेडिसिन जो है वो ओरली देंगे, तो वो घर पे भी रह सकती है। तो बस मैं अब जा रहा हूँ, 10-15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा, तो बिलिंग मेरा कराने में 1-2 घंटे लगेंगे, आपको पता फॉर्मेलिटीज इतनी होती हैं, तो मेरे को लगता है कि 3:30-4 तक छुट्टी करके मैं घर ले आऊँगा। ये भी अच्छा है कि बच्चा घर जल्दी आ रहा है, और क्योंकि कल मेरा बर्थडे भी है तो बर्थडे हॉस्पिटल में ना मना के घर पे मना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए ये साल इतना बेकार निकला था ना, 31 दिसंबर को नए साल के एक दिन पहले, मतलब मेरा नया साल जो हॉस्पिटल में होना था आपको पता ही है, मेरे को बीमार हो गया था और जो मैं भी एडमिट हुआ, टाइफाइड हुआ था मुझे, फिर बॉम्बे में फरवरी में किमरन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और मार्च में आके सिमरन दिल्ली, जब अप्रैल में सिमरन एडमिट हुई थी दिल्ली में, तो बैक टू बैक हर 2 महीने में कुछ ना कुछ चल ही रहा है हमारे साथ। तो पता नहीं इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता। चलो बाबा जी के आगे प्रे करते हैं, सब अच्छा रहे, सब कुछ ओके रहे, एकदम ठीक ठाक रहे। अब बस मम्मी हॉस्पिटल में ही है, तो बस वहाँ पे 1-2 घंटे लगेंगे लेके आके, घर पे आके फिर आपको निशा से मिलवाता हूँ। चलो ये निशा हो गया, चले अब तबियत ठीक है बिल्कुल, है बिल जरा सारा हो गया रेडी, तो अब चलते हैं ठीक है, टाइम भी देख 4:30 बजे गए, चल जल्दी कर। तो भाई साहब अपना बर्थडे तो कल है, तो हमारा एक भाई है वो कल जा रहे हैं गुरुद्वारे, तो वो कह रहा है आज आपका केक हम एक दिन पहले एडवांस में काटेंगे,
पार्टिकल करेंगे, पार्टिकल करेंगे। केक तो जो बनाया है ना, तो देख के मेरे को बड़ा मजा आ गया, क्यों भी शानदार केक बनाया है। तो हम आपको दिखाई देते हैं, भाई भी और केक भी। तो ये भाई है और ये हमारा केक है। कमाल कर दिया यार आपने तो, इतना बड़ा केक। क्यों जी बड़ा? हाँ ये बात भी सही है। चलो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारा बर्थडे ऐसे मना रहे हो याद करके भाइयों की तरह। बस अभी केक काट के हम लोग निकले, अब घर जा रहे हैं। भाई कहीं रात का सीन है? नहीं आज तो नहीं, पक्का कल का? कल देखेंगे, कल बर्थडे भी है, कल छुट्टी भी है। क्यों कल का बढ़िया सीन बनाएंगे। अब बस हाँ बस अब घर जा रहे हैं, घर जाके बच्चे भी केक काटेंगे रात को 12 बजे, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक हो? ठीक है तो है खाली कोई भी है अभी तो बताता हूँ। बुखार तो चढ़ा, बुखार तो चढ़ा। अरे आपको नहीं, उसको पूछ रहा हूँ। थैंक यू भाभी है जी। अरे तुम कट्ठे कर लो ना। हाँ निशा ठीक है, बढ़िया एकदम। केक काटने लगे हैं बस इतने में। तुमने तो बोला नहीं काटने लगे हैं। आज जी, आज जी। हेलो। कौन है? हाँ। हाय। हाय। हेलो। हेलो। उन्नति मामी। हाँ जी शांत है। ये रे। बढ़िया। एक मिनट में इसी बात करेंगे। एक मिनट बात करेंगे। सुनना सही। हाँ भाई। हेलो। हाँ भाई आला वो ये कर ले अनिशा के फोन पे व्हाट्सएप कर ले फोन पे डाल दे फोन पे। थैंक्स बढ़िया। थैंक यू गुरु, थैंक यू उन्नति। हो गई केक कटिंग? हां 1.5 पे। ओके थैंक्स। काट रहे वो? यस yes. सही ना दिखाओ सारे वीडियो को कौन कौन देख रहा है? रुक जा मैं बाद में बोलूंगी, बात करूंगी। हाय उन्नति। अबे ये कैसी कंडीशन में तू व्हाट एवर कर रहा मुझे? चलो फटाफट आओ जी। थैंक यू। पंखा एक कुछ चल सकता है। बारी बारी सबको ले वीडियो कॉल दिखा रही। ओके हजारों साल ये मही है आरजू। आजा कैंडल हाँ, लेकिन वो कैमरा के ऊपर से आएगी, ब्लॉक खराब होएगा। ये देखो यार मैं हाय गुरु मामा। मेरे को मत डालना मेरा गला। पापा यार वो गुरु मामा जूड़े पे बैठे हैं। थैंक यू मामू।
आपको बोला है कोई भी रेस्टोरेंट में जाके बिल मेरे को भेज देना, मैं वीडियो कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो बात करो। हाँ जी ठीक है, हाँ बेटर है, अब थोड़ी वीकनेस और खांसी है। यार ये कैमरन बीच में आ रही है, ये लो नानी से बात करो। हाँ जी कराओ, चलो ये पापा का फेवरेट फ्लेवर आ गया। हाय पापा, ये रे सच्ची है मम्मी, थैंक यू थैंक यू मम्मी। हेलो हाँ भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू वाओ, आप एक आदर, थैंक यू। हाँ भाई इतना, थैंक यू, सबको ही ले ले। और ये गुरु बिना जूड़े पे बैठे हैं, ब्यूटीफुल कार्ड। क्या कर रही है किमरन? फॉर पापा अल्लाह किमरन को भी बाल आ सकती है। वाओ किमरन ने केक दिया है, ओ केक दिया है, कार्ड कार्ड दिया, कार्ड बायर क्यों लिखा है इस पर? कार्ड दिखा दिए ई लग क्या दिखाओ, कार्ड दिखाओ, ये देखो दिख गया। अरे ऐसे नहीं, ऐसे मैं दिखाती हूँ, बेड है। देखो किमरन ने पापा के लिए बहुत सुंदर लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ सब। पापा मम्मा वेरी गुड किमा, 2nd October हैप्पी बर्थडे पापा, दिस ईयर यू विल बी 43 इयर्स ओल्ड। 42 एक साल बढ़ा दिया, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर बेस्ट फ्रॉम फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू पापा, God will give you my long life. My long life? Nahin. God will give you long life. Who will be my father followers? Please give us 10 million. 20 million. 20 million. Kya karna chahte ho? Bless you and mom, papa. Wow, mom and dad. Wow. Very nice, very nice. हाँ वही बोलते हैं, वही बात है. Very nice. Thank you, भाई. Thank you, की माँ. और ये केक बॉम्बे वालों के नाम, भाई बॉम्बे किसने भेजा? ये निशान ने, गुड़े ने, निशान सब पर गुजरात ने बढ़ा, गुजरात फैमिली की वजह गुजरात भाई केक बॉम्बे से आया ये. Thank you, गुजरात फैमिली. मेरा फोन पे नहीं आएगा, मेरे हाथ पकड़ा दो, इसको डर ही लगता है। भाई पहली बार मेरे मतलब केक आया, चॉकलेट वाला नहीं आया। कैसे खिलाओगे बेटा? थैंक्स टू मी। हेलो क्या पाइनएप्पल पसंद है? पाइनएप्पल वेरी नाइस। अच्छा तेरी बहन बोली, मैंने मेरे को कॉल किया था, बहुत टेस्टी है, थैंक यू। मैं खाती नहीं हूँ पर ये खा रही हूँ मैं आज, थैंक यू, वेरी नाइस। मेरे को चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है ना, मैं क्या करूं? वेरी टेस्टी बेटा, चल गुरु मेडिटेशन कर ले। क्या कर ले? घानड़े आए। अच्छा हाँ एक बात बताऊं आप सबको, हमारे गुरु भाई साहब आजकल मेडिटेशन करते हैं। गुरु दिखाई हो दिखा, गुरु पक गया गुरु, हमें सिखा दे मेडिटेशन। चादर पे गिरा अकेले में, ये बाय बाय कौन कर रहा है? गुरु जिशान कर रहा है, या ना समझत ना है राव दे, काय ना समझ, ये मराठी मराठी बोल रही है, मैं अपने लैंग्वेज बोलने में आया ना, भागते फिरोगे, पहले बोल रहा हूँ काय पण सांगा, याला समझ नाही येणार। बनाना कभी गुलाम मुझसे ये सड़े देख मेरा मुकाम, हार या जीत से काफी ऊपर मैंने कमा लिया यहाँ पे।